नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का सवाल है क्वेश्चन से इज़ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ टू मीटर पर सेकेंड अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट इफ कोविशन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम इज पॉइंट हमें ये बताना है डिस्टेंस एट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट विल बी जी की वैल्यू हम यहाँ ले सकते हैं हमारे ऑप्शन हैं पॉइंट फोर पॉइंट या फिर वन मीटर राइट तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि आपकी कन्वेयर बेल्ट है कन्वेयर uh, बेल्ट ऐसे चल रही है और ये कन्वेयर बेल्ट आपकी टू मीटर पर सेकेंड से ऐसे आगे मूव कर रही है हमने यहाँ पे एक बॉक्स को जेंटली इसके ऊपर ड्रॉप किया है आपने बॉक्स उसको ड्रॉप किया है जैसे ही बॉक्स इसके ऊपर टच में आएगा पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ठीक है और ये बॉक्स जो है इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर अप्लाई होएगा और ये बॉक्स जो है थोड़ी देर बाद इस बेल्ट के साथ चलने लगेगा आगे इसको बेल्ट मूव करके लेके जाएगी सवाल ये है कि जब उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होएगा तो बेल्ट आगे जा रही है और ब्लॉक पीछे जा रहा है तो कितना डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट वो पीछे मूव करेगा सिंपल सवाल है इस केस में हम लिख सकते हैं कि आपका एक्सलेशन जो होएगा उसको हम लिखते हैं म्यू जी ऑल कैसे आया इसको हम लिखते हैं फोर्स डिवाइड बाय मास और यहाँ पर अपना जो फोर्स हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइड बाय एम तो इसकी वैल्यू म्यू जी आ जाएगी ठीक है सो so, इसमें अगर हम अपनी वैल्यूज रख देंगे तो आपके एक्सेलेशन की जो वैल्यू है रिटार्डेशन जो आएगा आपका सो ए विल बी इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाइड बाई जीरो फाइव पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन दैट विल बी इक्वल टू फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब ये वैल्यू नेगेटिव होएगी नेगेटिव क्यों बिकॉज ये रिटार्डेशन है आपका है ना अब अगर हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें सो थर्ड इक्वेशन कहती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस Uh, v की वैल्यू फाइनल इस फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी v की जीरो है विल बी इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाय एस इस एस की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी है सो so, इसको अगर हम सॉल्व uh, करें तो एस की वैल्यू विल बी इक्वल टू टू स्क्वायर यानी कि फोर डिवाइडेड बाय टू इंटू टेन सो दिस विल बी इक्वल टू टेन एम्प्लाइज एस विल बी इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फोर मीटर तो रिलेटिवली 0.4 मीटर चलेगा उसके बाद बेल्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आके बेल्ट के साथ साथ वो जाएगा सो बेज ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 0.4 मीटर वुड बी द राइट आंसर